क्या होता है कवचे, जिसकी ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद खूब चर्चा हो रही है। बालेश्वर में भीषण दुर्घटना के कारण एंटी कोलिजन डिवाइस कवच की खूब चर्चा हो रही है। अगर इस मार्ग पर कवच होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना स्थल का दौरा करने पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ने टक्कर रोधी प्रणाली एंटी कोलिजन सिस्टम न होने पर चिंता जताई। कैसे काम करता है कवच, टक्कर रोधी प्रणाली कैसे काम करती है? ट्रेन से ट्रेन और ट्रेन से नियंत्रण केंद्र के बीच यह संचार स्थापित करती है। कवच ट्रेन की आवाजाही पर नज़र रखने और रियल टाइम डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जीपीएस और जीपीआरएस जैसी उन्नत तकनीकों से लैस है। भविष्य में कवच डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस किया जाएगा। इस डिवाइस को अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने विकसित किया है। टक्करोधी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, यह प्रणाली सेंसर जीपीएस और जीपीआरएस का उपयोग करती है ताकि निकटता में ट्रेनों की उपस्थिति और आवाजाही की पहचान की जा सके। यह संभावित टक्कर परिदृश्यों की पहचान करने के लिए ट्रेनों की सापेक्ष स्थिति और गति का लगातार आकलन करती है। ऑडियो विजुअल चेतावनी प्रणाली, जब दो ट्रेनों के बीच टक्कर होने की आशंका होती है तब कवच ऑडियो और विजुअल चेतावनियों को सक्रिय करती है। इससे समय रहते ड्राइवर सचेत हो जाते हैं। रियर एंड टक्कर परीक्षण सफल, कवच का रियर एंड टक्कर परीक्षण सफल रहा है। परीक्षण के दौरान कवच ने आगे के लोगों के 380 मीटर से पहले रोक दिया। स्वचालित ब्रेक अनुप्रयोग, यदि ट्रेन ऑपरेट निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित कार्रवाई करने में विफल रहता है तो टकराव को रोकने के लिए टक्कर रोधी प्रणाली कवच खुद ब्रेक लगाती है। नियंत्रण केंद्र के साथ संचार, कवच केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र के साथ निरंतर संचार बनाए रखती है, जिससे यह ट्रेन की आवाजाही की निगरानी कर सकती है और अति आवश्यक हो तो हस्तक्षेप भी कर सकती है।